हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ बैंक क्लर्क, टुडे वी विल डिस्कस डाटा इंटरप्रिटेशन। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और वो कौन से करेंगे हम, आईबीपीएस 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे। यस, 2019 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, और जिन्होंने अभी तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको 2020 के भी करा चुकी हूँ। यस, आईबीपीएस 2020, एसबीआई 2020, इसके अलावा आरआरबी 2020, ये हमारा सारा डिस्कस हो चुका है। 2019 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे हमें पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इन तरह के क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये है कि हर एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको विद पीडीएफ अवेलेबल है, हर एक के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। और दूसरा एक क्विज भी है साथ में, हर एक लेक्चर के साथ में। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड लेक्चर करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन की ही क्विज है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर हो चुका है। सो स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। जिनको ने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हो तो शेयर कर देंगे सभी के सभी। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब जो डीआई आई हुई थी एग्जाम के अंदर, एक डीआई आई हुई थी आपके एक एग्जाम के अंदर, मीन्स अलग अलग शिफ्ट्स के मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो सभी के हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर जो डीआई आई हुई थी फर्स्ट थी, जो कि किस पे थी, आपकी बार ग्राफ पे बेस्ड थी। तो जब भी डीआई का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास में चार्ट गिवन है ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन उसी के बेस पे पूछे जाते हैं। अगर हमें इसको इंटरप्रिट करना आ रहा है कि हाँ जी ये मेरा चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि इन द बार ग्राफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय फाइव बेकरीज, फाइव बेकरीज के नंबर ऑफ केक सोल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके इस बार ग्राफ से, ए बी सी डी एंड ई इन वीक वन, फर्स्ट वीक के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब हमें पता चल गया कि ये जो बार है ये केक को रिप्रेजेंट करे ए के, ठीक है, ये सेकेंड के बी को, सी डी एंड ई। तो अब जब भी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर किसी भी आपके बेकरी की बात होगी तो आप वहीं से डाटा उठा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखो क्या, नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी। अब जैसे उसने कहा बेकरी सी, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे आना है। ओके, बेकरी सी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ई, ई ई मींस कि मुझे यहाँ से डाटा पिक करना, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे बेटा सी, सी को आप ये देखो कि ये है आपके पास 20, ये है 30, ये 25 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, दैट मींस कि ये वैल्यू कितनी कंसिडर कर लेंगे हम, 26 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते बेटा ई की, तो ई का ये देखो ये हो गया आपके पास 60, यस। हाँ जी, बार ग्राफ में अगर आपके पास में जो डाटा उसी का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया बेटा 60, ये मिडल से थोड़ा नीचे कितना आ गया ये आपके पास में 64। ओके, मींस केक सोल्ड बाय सी, यस, सी के कितने आ गए आपके पास में 26, ई के हो गए हमारे पास में 64। दैट मीन्स कि अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, 26 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100। ओके, सो दिस विल बी नियर बाई, कर लेते हैं, ये हो गया बेटा 25 चार से, और ये अगर हम 2 से करते हैं दिस विल बी 13 एंड 8, ये हो गया आपके पास 25 से 5। ओके, ये हो गया हमारे पास में, यस, 13 दुनी 26 और 6 32, 8 चौके 32, 0 और ये हो गया 8 6 48। दैट मीन्स कि नियर बाई 40.6 के आसपास वैल्यू आ रही है, और हमने फाइंड आउट भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 41 है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में 40 आ जाएगा बेटा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 40% विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है इन दैट केस बता सकते हो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया हमने, जो बेकरी सी है सी का हमने डाटा फाइंड आउट किया कि कितने केक सेल हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से ई का हमने फाइंड आउट किया कि कितने केक सेल हुए, उसने पूछा था कि कितना परसेंट है,
कितना परसेंट है, एक बात का और ध्यान रखना, व्हाट परसेंट ऑफ, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए बेटा उस वैल्यू को क्या लेंगे हम, न्यूमरेटर में लेंगे, ठीक है, और जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लेंगे न्यूमरेटर में, इसको लेंगे हम डिनोमिनेटर के अंदर। ओके नेक्स्ट है आपके पास, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी बी टू नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी ई। दैट मींस कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि बी के कितने सेल हुए हैं और ई के कितने सेल हुए हैं और उन दोनों के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ओके तो अगर हम यहां से देखें बी और ई को, ठीक है, तो बी का तो डायरेक्ट ही आ रहा है आपका यस, ये दिस इज 20, देखिए दिस इज 20। ओके ई का हमने अभी फाइंड आउट किया था, यस कितना था ये, यस दिस वाज 64, ये हो गया चार से कैंसिल आउट करेंगे, चार पांच 20 और ये हो गया बेटा आपके पास 16, सो द रेशियो विल बी 5:16, सो आंसर विल बी 5:16। ओके 5:16 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल था, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, वहां से डाटा को पिक किया और क्योंकि हमने रेशियो फाइंड आउट करने थी तो जिससे भी कैंसिल आउट हो रहा उसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरीज ए एंड डी, ए एंड डी, हियर यू कैन सी ए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यस दिस इज 36। ओके और अगर हम डी का देखें तो डी की यहां पे वैल्यू आप चेक कर सकते हो, दिस इज, यस दिस इज 50, दिस इज 48, यस कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 48, क्लियर। एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज क्या होगी, यस एवरेज इज 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8 और 6 14 7, दिस विल बी 42, सो आंसर विल बी 42। ओके क्लियर है, कोई माइनर सा डाउट हो किसी को इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय ए, सोल्ड बाय ए 1/6 वर डिजाइनर केक, 1/6 कैसे हैं डिजाइनर केक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन डिजाइनर केक्स। अब देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए के कितने केक सेल हुए हैं, ए के कितने केक सेल हुए, दिस इज 36, ये देखिए कितना है हमारे पास में, दिस इज 36। ओके 1/6 कैसे हैं डिजाइनर है, वन सिक्स दैट मींस कि कितने डिजाइनर केक है, 6। ओके अब हमारे पास में क्या फाइंड आउट करना है, नॉन डिजाइनर केक आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नॉन डिजाइनर कितने हो गए, 36 थे 6 डिजाइनर थे, रिमेनिंग आर 30 एंड दिस 30 आर नॉन डिजाइनर केक, सिंपल। ओके क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी एंड ई टुगेदर इंक्रीज्ड बाय 20% इन सेकंड वीक। फर्स्ट वीक का डाटा हमारे पास है, ये जो गिवन है बेटा ये क्या है, सारा फर्स्ट वीक का डाटा है। अब आपका सेकंड वीक में कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि फर्स्ट वीक के अंदर सी और ई के केक कितने सेल हुए। तो सी का अगर हम देखते हैं तो सी है आपके पास में ये यहाँ पे और ये कितना था आपके पास 26। ओके इसी तरह से अगर हम ई का चेक करते हैं तो ई का कितना था हमारे पास में 64। ओके कितना है हमारे पास 64। अगर हम टोटल लें तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 90 एंड द क्वेश्चन इज कि इंक्रीज हो गया 20% से, 20% इंक्रीज हो गया, दैट मीन कि इंक्रीज कितना है हमारे पास में 20%। ओके दिस विल बी 18। अब क्वेश्चन है कि हाँ जी बताओ कि सेकंड वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर सी और ई के टोटल कितने केक सेल हुए हैं, तो टोटल पहले कितने थे हमारे पास में 90, ठीक है, तो सेकंड वीक के अंदर कितने हो जाएंगे 90 प्लस 18, दिस विल बी 108, सो आंसर विल बी 108। ओके कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर है। देखो काफी इजी डीआई आई हुई थी आपकी प्री के अंदर। अब एक बात दूसरी भी है कि यहाँ पे आपके पास में स्पीड मैटर करती है, हमने डीआई को समझना है और उसके बाद में स्पीड मैटर करती है क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम होता है, 35 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं 20 मिनट्स के अंदर।
ओके तो डीआई को देखते ही उसको समझ लेना है। और दूसरा यहाँ पे जो मैटर करता है वो ये है कि हाँ जी अगर हमने डाटा गलत ले लिया है तो उस केस के अंदर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके हाँ जी नेक्स्ट डीआई देखते हैं। नेक्स्ट डीआई क्या है? यस अगेन दूसरी शिफ्ट की डीआई है बेटे। क्या है? गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स रिजाइडिंग इन फोर सोसाइटीज इन ईयर 2008 एंड 18। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में? दो बार्स है। यस दो बार गिवन है, दो बार गिवन है। जो बार है इसके अंदर, ये जो बार है ब्लैंक वाली, ये 2008 के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, गिवन है आपके पास। और जो डार्क फील्ड बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है 2018 के डाटा को। यही गिवन है आपके पास। ये देखो क्या है, गिवन बार शोज नंबर ऑफ रेजिडेंट्स रिजाइडिंग फोर सोसाइटीज, फोर सोसाइटीज है ए बी सी डी ई इन ईयर 2008 एंड 2018। ओके अब उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर हमें ये क्लियर है तो अभी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर बेस्ड? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेजिडेंट्स रिजाइडिंग इन सोसाइटी ए इन 2008, बी इन 2018 एंड सी इन 2018 एंड डी इन 2008। अब यहाँ पे बस ध्यान क्या रखना है कि जो 8 का डाटा वो 8 का पिक करना है हमने, ठीक है। 18 है उसको 18 वाला पिक करना है। ओके अब देखो ए क्या कह रहा है, ए 2008, ए अगर मैं देखू 2008 तो ये डायरेक्ट है, कितना है हमारे पास में 250। ओके बी इन 2018, बी का किसका उठाना है हमने, 2018 का पिक करना है। बी 2018 मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये है 50-50 का गैप है, 5 लाइंस है तो सीधा हो गया 50-60-70, कितना हो गया 370। ओके सी इन 2018, सी का भी कब किसका, 2018 का ये सी है और ये 18 है, कितना आ गया ये, हाँ जी 400, 410 एंड 420, सो दिस विल बी 420। डी इन 2008, डी देखी ये डी है, डी का 2008 दैट मीन्स कि ये वाला हमने पिक करना है एंड दिस इज 400, सो दिस विल बी 400। Now what we want to find out? Average. Average that means कि सभी का sum करना और उसको add कर देना है। तो अगर हम सबका sum करते हैं this will be, ये हो गया 12 और 2 14। Yes. Average अगर मुझे देखनी है तो बेटा average क्या हो जाएगी, divided by 4, this will be 4 threes, yes this will be 360, so answer will be 360. Clear? कोई doubt इसके अंदर? बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपके पास में दो बार गिवन है, जो 2008 का डाटा जहाँ पे कहा गया वहां से हम 2008 को पिक करेंगे, 2018 है तो 2018 को पिक करेंगे। ओके यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिडेंट्स रिजाइडिंग इन सोसाइटी बी इन 2008, बी इन 2008 मीन्स ये वाला पिक करना है, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज रेजिडेंट्स इन सोसाइटी डी इन 2008 एंड 18। ओके अब सबसे पहला क्या चेक करना है हमने कि बी 2018 के अंदर कितना है, तो बी के अंदर अगर हम रेजिडेंट्स चेक करें कब, 2008 के अंदर, तो बी का 2008 में कितना है, दिस इज 420। ओके और दूसरा हमने चेक करना है डी का 8 एंड 18 दोनों का एवरेज। ओके तो अगर हम डी देखें तो डी का 2008 यस ये है, ये वैल्यू आपके पास 400 और डी का 2018 अगर हम इसको चेक करते हैं हो गया 50 60 70 80, दैट मींस कि 480 हो गया। ओके अगर हम एवरेज लें किसकी, डी की, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपने पास में 440 हो जाएगा ना, दिस विल बी 440। ओके नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि जो 2000 ए का बी का है ये वाला जो डाटा है इसको इसके साथ में कंपेयर करना है कि ये इससे लेस है या मोर है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, लेस है, ये 420 है, ये 440 है और कह रहा है कि कितना परसेंट लेस है, ठीक है तो कितना परसेंट लेस है ये हमारे पास में, हाँ जी कितना लेस है, 440 से 420 गया बेटे 20, कंपेयर किससे करेंगे, इससे ये हो गया आपके पास में 50 एंड 11, 50/11%। ओके अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, 4 4 जा
11 4 जा 44 एंड 6 आपके पास में रिमाइंडर हो गया, दिस विल बी 4:6 बाय 11%। ओके एंड दिस इज द ऑप्शन ए, ई ऑप्शन के अंदर आपके पास आ रहा है। क्लियर, क्या किया हमने, पहले जो भी डाटा आपके पास गिवन था, क्या बी का 2018 का, बी का 2018 का 420, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एवरेज, एवरेज किसकी, डी की। अब डी की हमने एवरेज फाइंड आउट करी, तो ये कितने आ गए आपके पास में 440। अब उसने पूछा कि ये जो 2008 का डाटा, ये एवरेज से कितना कम या ज्यादा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना लेस है, ये 20 लेस है, बट हमने परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करना है। तो जब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, किसके कंपैरिजन में करेंगे, 2018 के से, सॉरी डी के 2018 और 8 की एवरेज से, तो वो आपके पास में वैल्यू कितनी है 440। सो दिस विल बी 4:6 बाय 11%, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोसाइटी शोज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट्स फ्रॉम ईयर 2008 टू 2018, कौन सी सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की ए की, तो ए के अंदर हमारे पास में इंक्रीज चेक करेंगे, ए का इंक्रीज अगर हम चेक करें तो ए देखिए आप क्या है, ए यहाँ पे बेटा 250 और 2018 में कितना हो गया, ये 350 हो गया, दैट मींस कि इंक्रीज कितना हुआ है, 100 का इंक्रीज हो गया। और हमें क्या परसेंट, क्या चेक करना है, परसेंटेज में चेक करना है, तो कितना हो गया 100 बाई 250, ये कितना हो गया आपके पास में 40% हो गया, क्लियर। अब याद करते हैं हम बी के, ए के अंदर क्या था, इंक्रीज था। अब बी में देखिए, 8 के अंदर से रेजिडेंट थे 420, ठीक है, और 18 के अंदर हो गए ये आपके पास 370, दैट मींस कि इंक्रीज की बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हमें क्या चेक करना है, इंक्रीज चेक करना है, दैट मींस कि इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके अब हम आते हैं सी, हाँ जी, अब सी में देखिए, सी में वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 300 है 2008 की, और अगर हम बात करते हैं 18 की, तो ये हो गया आपके पास में 420। ओके 300 से कितना हो गया 420 हो गया,